माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूनम खेतान हमारी कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हम कर रहे थे क्लास 12th का लेसन नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम पहले ही लेसन में अपने पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ आप देखें, क्योंकि उनको देखे बिना आगे के क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं उनसे रिलेटेड जो आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन है वो करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनको 2/3 दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है 1,20,000 और 60,000, और बैट एंड बॉल जो है वो लोन देते हैं फर्म को, और बैट जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी को अलाउ कर रखा है कि आप बिजनेस के काम में यूज़ कीजिए और उसका रेंट दीजिए 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और आपको लॉस दिया हुआ है 9,000 और आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको ये बोल रखा हो कि प्रॉफिट एंड सॉरी लॉस को जो है वो आप शो कीजिए या फिर उसका एडजस्टमेंट कीजिए, तो आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे जब तक स्पेशली आपको बोला नहीं गया, ठीक है। क्योंकि जो हम जब हमने लॉस दिया होता है तो लॉस की कंडीशन में हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर कर देते हैं पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉस दिया हुआ है और अभी हमें बोल भी नहीं रखा है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम पी एंड एल अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 और हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट, नॉट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट बनाते टाइम में आप क्या करेंगे, पहले आपको लॉस दिया हुआ है वो लॉस आप देखेंगे, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको दिया हुआ है 9,000, ओके 9,000 का लॉस दिया हुआ है। तो उसके बाद में ये कह रहे हैं रेंट पेड 5,000। देखिए रेंट है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन में आप क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ है, लॉस हुआ है, तो भी आपको ये तो पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हम पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं तो पहले आप रेंट पे कर देंगे, रेंट कितना है 5,000, 12 मंथ्स का आप रेंट पे कर देंगे, ये 60,000 आपका रेंट हो गया। फिर आप देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, अब बैट ने जो है 2,40,000 का इंटरेस्ट दिया हुआ है और 6% की रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 6% का देंगे, और टाइम का भी कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितने टाइम के लिए लिया, कितने टाइम के लिए दिया, तो वही एवरेज पीरियड मेथड से, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने निकाला था ना, कि जब अगर कुछ नहीं दे रखा है टाइम आपको कि कब उसने ड्राइंग्स की है, कौन से मंथ में की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी पार्टनर ने ड्राइंग्स जो है वो मिड ऑफ द मंथ की है। तो और इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन में भी अगर आपको कुछ नहीं दिया जाता है तो हम यही मानते हैं, तो उसको हम 6/12 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। ये हो गई इसकी बैट की होगी 7,200, इसकी जस्ट हाँ 3,600, ओके। अब और कोई चीज नहीं दी हुई है इसके अंदर, तो अब इसका आप टोटल कर लेंगे, ठीक है। और जितना भी टोटल आएगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका
by capital account, bat and ball. कितना है? 79,800. तो 79,800 का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2 and 3. ओके, तो इसको 2/3 के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 79,800 बाल का बॉल का जो रेशियो है दैट इज 3/5. इसको आप कैलकुलेशन करेंगे या तो आपका लिख देती हूँ मैं 31,920 और इसका भी आप काउंट कर लेंगे, ये हो गया आपका 47,880. ओके, अब इसका हम टोटल कर देंगे. ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. आप इसे देख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन की है. अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 6% के हिसाब से करते हैं. एवरेज पीरियड जो है वो 6/12 ही करते हैं. ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है. रेंट दिया है, लॉस दिया हुआ है, इन सबको किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड थ्री पार्टनर्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आपको, और इनकी कैपिटल्स दी हुई है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% बोल रहे हैं, और जेड को सैलरी भी देनी है, प्रॉफिट दे रखा है, और एक चीज इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है. प्रॉफिट जो दे रखा है वो क्या बोल रही है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड दैट इज After debiting Z salary 4 lakh, यानी प्रॉफिट दे रखा है आपको साल के अंत में 4 lakh, लेकिन वो कब है, Z की सैलरी काटने के बाद में. लेकिन जब हम और आपको P&L appropriation account बनाना है, तो P&L appropriation account बनाते हैं, जो हम प्रॉफिट लिखते हैं वो appropriation करने से पहले के प्रॉफिट होते हैं, उसके बाद में सारी हम appropriation करते हैं, adjustment करते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको Z की सैलरी डेबिट करने के बाद में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ऐड करेंगे. ओके, तो आपको 4 lakh प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो आपको 4 lakh दिया हुआ है. ओके, और Z की सैलरी बोल रही है 2,000 per month, यानी 12 मंथ्स की कितनी होगी, 24,000. तो इस 24,000 को आप इसके अंदर प्लस कर देंगे, और जब यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखेंगे by profit of the year, तो आप 4,24,000 लिखेंगे. ओके, यस, अब करते हैं मानी कैलकुलेशन. यस, अब आपको क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, Z की सैलरी भी देनी है, क्योंकि हम लोगों ने ऑल्दो ये 4 lakh में इसके अंदर से डेबिट की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने वापस ऐड कर दी है, तो अब हम यहां सैलरी देंगे. ठीक है, चलो, सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड तीनों को देना है. एक्स की कैपिटल है 5 lakh, वाई की 5 lakh, और जेड की है आपकी 2,50,000. ओके, देन 10% की रेट से देना है आपको, वेरी सिंपल, 10% की रेट से आप इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. ये हो गया आपका 50,000, अगेन 50,000, और ये हो गया आपका 25,000. ओके, और ये टोटल आप 1,25,000. ओके, अब हम देंगे Z की सैलरी, टू Z's सैलरी. ओके, और 2000 है पर मंथ, 12 मंथ्स के हिसाब से आपका 24,000 जो है वो आप इसको सेट. ओके, और कुछ आप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या कमीशन वगैरह जैसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है. अब हम 4,24,000 के अंदर से ये माइनस करने के बाद में जितना बचेगा उसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So, to net profit transfer to capital account. और आपका हो जाएगा
एक्स वाई जेड, ठीक है। अब 240,000 में से ये माइनस करेंगे आप 27 और ये हो गया आपका 275,000। अब 275,000 को आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया हुआ है 2:2:1, उस रेशो के अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5, 2/5 और 1/5, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,10,000, ये हो गया आपका 1,10,000 और ये जस्ट इसका हाफ 55 होगी, ओके। और ये आ गया आपका टोटल 2,75,000, इसको आप टोटल करेंगे 4,24,000 और 4,24,000, चेक करेंगे इसको। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे सकता है कि ये प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करके या लेस करके ऐसा दे सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, इसको चेक कर लीजिए। यस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए आप, रीमा एंड सीमा पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रही हैं वो। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है रीमा और सीमा को जो है मंथली सैलरी दी जाएगी 15,000। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 10% दिया हुआ है, कैपिटल जो है वो 5 लाख ईच एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000 ईच, ठीक है। अब जो फर्म है इसको लॉस हुआ है 1 लाख का, ठीक है, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको बोल दिया है तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, उसको पीएनएल के अंदर ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। यस, आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, पहले आप इसको लॉस लिखेंगे, टू पीएनएल अकाउंट या लॉस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लॉस ऑफ द ईयर जो है वो है आपका 1 लाख, 1 लाख का आपको लॉस दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि वो इनकमिंग है फर्म के लिए, तो हम करेंगे चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यस, रीमा की है 60,000 दोनों की है, और आपको जो रेट दी हुई है ड्रॉइंग्स की वो 10% दी हुई है, और बाकी कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको टाइम के बारे में, तो वही एवरेज पीरियड का मान के चलेंगे हम 6/12 के हिसाब से करेंगे, ओके। और सीमा की जो है वो भी सेम है 60,000, 10% 6/12, ओके। तो ये आ गया आपका 60,000 के 10% और ये 3,000 और 3,000, इसको मैं कम क्लब करके लिख देती हूँ, यहाँ पे 6,000 हो गया, ओके 6,000 हो गया। अब वैसे तो इनकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम कुछ भी पे नहीं करेंगे उनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है। इवन एक 1 लाख आपका लॉस आ रहा है, उसमें से मान लीजिए 6,000 जो है वो आपने कवर कर लिए, अब जो बाकी लॉस बचेगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो अब ये 1,00,000 - 6,000 94,000 जो है वो आपका नेट लॉस अभी बचा है, अब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसकी, रीमा की और सीमा की, ओके। तो रीमा की जो है
यस, आपको प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे दिया हुआ है इक्वली, नहीं भी दिया होता कई बार क्वेश्चन के अंदर मिस होता है तो भी आप देखेंगे जब आपको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो आप उसको क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 94,000 हो गया, 94,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 94,000 का 1/2 रीमा के, 94,000 का 1/2 सीमा, ठीक है, तो 47,000 दोनों के पास में आ गया। ओके, ये आपका 1 लाख हो गया, दिस इज अगेन 1 लाख, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और अगर आपको लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो लॉस के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो चार्ज करेंगे क्योंकि वो इनकमिंग है फर्म के लिए, लेकिन बाकी कोई भी एक्सपेंसेस आप नहीं करेंगे। यस स्टूडेंट, तो आज हमने किए चैप्टर नंबर 2 यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनके टॉपिक जिनके कॉन्सेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, इन किस जो मैंने क्वेश्चन कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिस कीजिए। आगे जितने भी टॉपिक इसके बच गए हैं इस चैप्टर में, अभी और टॉपिक हैं उनको भी हम कवर करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस का आप वेट करें, तब तक इन सारे टॉपिक को आप घर पर रिवाइज करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाले वीडियोज भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।